तो चलो भाई अब इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होती है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना इसका जो इग्निशन है वो वही है यहाँ पे जो होता है क्रूजर का। इसको इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन, ये किल स्विच, और ओ भाई क्या स्मूथ साउंड है इसका, बहुत स्मूथ। और डुअल बैरल एग्जॉस्ट आते हैं तो पंच भी बहुत जबरदस्त है। ओ भाई क्या क्या लगा रखा है, अचानक से ऐसा लगा हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। सच्ची में अब धमाका होगा, इसका भी साउंड होता है 1200 सीसी का धमाका लगे हुए इसमें भी एग्जॉस्ट। बिल्कुल इसका तो स्टार्टअप ही डिफरेंट टाइप का है। 33 लाख रुपए की बाइक है, 33 लाख रुपए में अच्छा खासा एक बढ़िया सा फ्लैट आ सकता है, जिसका इंटीरियर भी वो लोग भी बना के देंगे और उसको बोलते हैं फुली फर्निश्ड। तो भाई आज फिर से मैं एक चमचमाती और धमधमाती हुई शॉप के अंदर आ गया हूँ, जिसका नाम है क्या, ऑल अबाउट बाइक्स। और ये जो है शोरूम वाले, ये अलग अलग टाइप की क्रूजर मोटरसाइकिल सेल करते हैं प्री ओन्ड, जैसे कि ये हमारी फेवरेट हार्ली डेविडसन फैट बॉय, और इसके ऊपर जो भी बैठता है भाई वो सच्ची में दिल और दिमाग से फैट बन जाता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इतना नहीं है इनके पास में, इनके पास ये कस्टम भी खड़ी है, फिर एक ऐसी मशीन खड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसको बोलते हैं भाई ये हेरिटेज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हेरिटेज मशीन है। ये है ही इतनी बड़ी कि बस इसको लेके निकल गए ना तो ऐसा लगेगा आपको कि आप कार चला रहे हो इंडिया के अंदर। तो लेकिन हमारे साथ आज कौन है, 48 मिस्टर दाऊद भाई ये बैठे हैं। देखो कितनी क्लासी सी बाइक पे, इसको कहते हैं भाई 48, अपने टाइम की बहुत मानी जानी मोटरसाइकिल है। इसका टैंक बोलते थे, पीनट टैंक है इसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ में ना आपको जो वो होते ना पेट्रोल वाली कैन वो लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसका टैंक बहुत छोटा होता है, स्टार्ट करोगे घुमा के लाके आओगे खत्म। बिल्कुल 8 लीटर का टैंक है इसमें, पीनट शेप जैसे के बताया। वाओ, तो राहुल भाई आओ इधर। अब जो है हमारे पास सब बढ़िया बढ़िया सी मोटरसाइकिल है इनके पास। हमने आपको प्रीवियस वीडियो दिखाया था जिसके अंदर स्पोर्ट्स सेगमेंट पूरा पूरा कवर किया था, काफी अच्छी मशीन्स थी, रेट थे उनके और सारी स्पेसिफिकेशन बताई थी। आज हमारे पास है ये कुछ मशीन्स हैं यहाँ पे, ये थंडरबर्ड है ट्राइम का, ट्राइम ने थंडरबर्ड निकाला था जिसके अंदर ऐसा स्टेट ट्विन इंजन निकाला था, ये बहुत सही चीज निकाली, बहुत जबरदस्त मशीन है, बहुत ही स्मूथ, बहुत स्मूथ है। और थंडरबर्ड के नाम से निकाली थी तो थोड़े से क्लैशेस भी हो गए थे इसके और रॉयल एनफील्ड के। फिर इसको कहते थे लोग ये बड़ी रॉयल एनफील्ड ये वाली थंडरबर्ड या बोली थंडरबर्ड, बट यार ये बाइक जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्लास लगती है, अपने टाइम की बहुत मानी जानी हुई बाइक है। अब तो ये शायद बंद हो गई ना, अभी तो डिसकंटिन्यूड है, बट जैसे कि आपने बोला ना बहुत ही क्लासिक लुक है इसका, क्योंकि प्योर क्लासिक है विद लॉट ऑफ क्रोम, और 1700 सीसी का आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, और जैसे कि बताया भी है ना कि ट्रायम्फ है तो ऑब्वियसली स्मूथनेस इज देयर। भाई ब्रिटिश का थोड़ा सा लॉजिक तो होता है। अब एक बार जब पीछे से आके ड्राइवर्स व्यू दिखाना इसका, यार ये जैसे सांड के सींग होते हैं ना, ये भाई इसका इतना बड़ा ये तो हैंडल है। बीच हैंडल बार लगा हुआ है, सो बीच हैंडल बार है इसके अंदर, ये डाल रखा है अलग से, ये अलग से एक्सेसरी लगी हुई है, काफी ज्यादा ब्रॉड लग रहा होगा आपको फील हो रहा है। वैसे एक बात बताऊं, इसको लगाने के बाद इसकी जो शान है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो बाइक्स होती है ये होती ऐसी है कि इनको बढ़िया वाला बॉडी बिल्डर सा बंदा चलाए, और बॉडी में नहीं है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए भी कुछ इनके पास मशीन है। पहले बता दो कि ये कौन सा मॉडल है, कितने की है ये? 2014 मॉडल है, HR रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर बाइक है, अराउंड 30,000 चली हुई है, फुली लोडेड है, बीच हैंडल बार भी लगा हुआ है, LED भी लगी हुई है, कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो क्रैश गार्ड लगे हुए, आगे भी लगे हुए, बैकरेस्ट भी लगा हुआ है, अल्ट्रा मिंट कंडीशन में बाइक है ये। अगर इतना बड़ा जहाज अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या गैस करेंगे, इतना बड़ा जहाज 1700 सीसी का फुली लोडेड कितने में मिल जाएगा भाई? नो आइडिया, कितने का होगा ये? हम दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 8,90,000 रुपए। 8,90,000 रुपए? सीरियसली? फॉर द नेगोशिएबल वांटेबल। अच्छा, सिर्फ 8 लाख रुपए लाओ और ये वाला जहाज लेके जाओ, ये तो राइमिंग बन गई। हाँ जी। लेकिन अब मेरे को जाना मजा आने लगा, मेरे पास वैसे जगह नहीं है ऐसी बाइक रखने की, लेकिन अगर होती तो मैं अभी चेक फाड़ के दे जाता, क्योंकि चाहे मैं इसको कितना ही चलाऊं लेकिन खड़ी ही रहेगी ना ये, तब भी शान बनाएगी। शान है बिल्कुल, 8 लाख रुपए के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो भाई अब इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कहाँ से होती है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना इसका जो इग्निशन है वो वही है यहाँ पे जो होता है क्रूजर का। इसको इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन, ये किल स्विच, और ओ भाई क्या स्मूथ साउंड है इसका, बहुत स्मूथ। और डुअल बैरल एग्जॉस्ट आते हैं तो पंच भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये देखा है, जो बाइक जो डेवलपर होते हैं वो जब ऐसा वाला इंजन बनाते हैं, स्टेट ट्विन बनाते हैं, तो उसका आवाज
चुभने वाली होती है, बीट साउंड होता है इसमें नहीं। इसका साउंड सच्ची में ऐसा है जैसे आप बढ़िया कोई ज्यादा सिलेंडर वाली मोटरसाइकिल चला रहे हो। भाई वैसे एक बात बताओ, वाइब्रेशन नहीं है यार बाइक के अंदर? वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई और ब्रांड पे बैठे होते या कोई और बाइक होती तो ऑब्वियसली अभी आपका हैंडल भी शेक हो रहा होता और कहीं ना कहीं ये लाइट्स जो है वो भी शेक हो रही होती। यानी कि ये क्या मशीन बनाई है उन्होंने? अल्ट्रा स्मूथ मशीन। इसके अंदर जो बैलेंसिंग दी है, जो भी इसकी कैम वैम, जो क्रैंक की जो बैलेंसिंग है, वो बड़ी परफेक्ट कर रखी है। भाई सीखो कुछ इन लोगों से। चलो खैर, ये इन्होंने बनाया स्ट्रेट ट्विन 1700 सीसी का इंजन ना? ये 1700। भाई 8 लाख रुपए की मिल जाएगी ये 1700 सीसी मोटरसाइकिल, 1700 सीसी मोटरसाइकिल जो इतनी बड़ी दिखती है, दिखने में भी ठीक ठाक सी है। HR नंबर हो तो केयर ऑफ में आप कहीं का भी करवा सकते हैं, कहीं ट्रांसफर हो सकता है इजीली। लेकिन अब जो नेक्स्ट बाइक है वो ये है भाई, ये है फैट बॉय। जब से आर्नोल्ड ने चलाई है ये अपनी मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इनके पुराने वाले मॉडल। लेकिन ये ऐसी बाइक्स होती हैं अगर कोई भी, जैसे मान लो किसी की ज्यादा बॉड वैसे मेरी भी नहीं है, लेकिन अगर बैठा जाए ना इस पे तो बंदा अपने आप ही उसके अंदर एक ट्रांस क्रिएट हो जाता है, उसकी मतलब पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। बाइक लगती है आउटस्टैंडिंग, मोटे मोटे इसके टायर्स हैं और सबसे बढ़िया जो इसकी मुझे चीज लगती है वो है इसके ये अलॉय व्हील्स जो कि फुल क्लोज रिम्स के अंदर आते हैं। ये पहले थोड़ा सा R&D का पार्ट रहा है, इसके ऊपर लड़ाइयाँ भी हुई है कि फुल क्लोज रिम जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, वो हवा पास नहीं करते, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। बट ये जो साउंड है ना ये बहुत मोटा भयंकर वाला है ये ना। बिल्कुल। तो भाई सबसे हार्ले की जैसे कि आपने बोला मोस्ट आइकॉनिक बाइक, मोस्ट आइकॉनिक, स्टेबल और ब्यूटिफुल, और आवाज तो खैर 1745 सीसी एक बार सुनाई दीजिए। और ये कीलेस एंट्री के साथ में आती है, देखो ये इसका की फॉब। एक बार अगर इसको अगर ऑन किया जाए तो ओके, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे छोटा सा नॉर्मल, और बस यही वाली बातचीत है कि भाई इंडिया के अंदर अगर आपकी बाइक है और बाहर खड़े करते हो ऐसे पेट्रोल चुरा लेंगे, पेट्रोल चुरा लेंगे वो। तो यहाँ पे आ भी गए हैं लॉक वाले सिस्टम, उसके लिए एक अलग से चाबी होती है, इसको फंसाओ लॉक लगा लो, बट वो एक आफ्टर मार्केट पार्ट होता है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर पहले बता दो एग्जॉस्ट कौन से लगे हुए हैं? इसमें Vance 9 का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट्स। एक बार आवाज सुनिए, फील लीजिए शॉर्ट शॉर्ट्स। ओके 3 2 1 स्टार्ट। क्या लगा रखा है, अचानक से ऐसा लगा हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। हाँ सच्ची में इसका जो साउंड है वो मतलब ऐसा है जो नॉर्मल लोगों की मतलब सर के ऊपर से जाएगा। आपकी हिम्मत है, आपने स्टार्ट करी और इतना थ्रॉटल मार दिया, मैं तो डरता हूँ आंटियां कूद जाती हैं ऊपर से। हाँ सीरियसली आंटी कहती होंगी दाऊ तेरा गला तो मैं ही काटूंगी, है ना? तो ये वाली सीन है भाई, क्योंकि ये ना ऐसी बाइक है जब लेके निकलेगा बंदा दूर दूर से लोग उसको देखेंगे और कुछ लोगों के सर में भी दर्द होगा। लेकिन मजा आ रहा है जो इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट्स बोलते हैं इनको। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट्स यार, क्या तो इंजन बनाते थे ना ये उस वक्त में, देखना जरा ये जो शाफ्ट निकली हुई है ये पुराने टाइम की है डिजाइन, आजकल इनकी जरूरत नहीं है कुछ शॉर्ट्स की, बट इसको लुक के हिसाब से और ऐसा फील देने के हिसाब से कि ये वही वाले इंजन हैं। हार्ले जो है वही अपना कल्ट के हिसाब से बना रहा है, तो पुश शॉर्ट इंजन बनाता है। अदरवाइज आप देखोगे तो कोई भी जितने लिक्विड कूल्ड इंजन है उसमें पुश शॉर्ट नहीं मिलेगा, उसमें पुश शॉर्ट नहीं है। बाकी ये वाला जो इसका सीन है ये लिखा हुआ है लिफ्ट टू राइड। ओके, ये अलॉय व्हील देखो, ये फुल क्लोज रिम्स हैं, इनको एक बारी बस आप पॉलिश करा लो। ये ऐसे अलॉय मटेरियल के होते हैं, जब इनको एक बारी पॉलिश करा लिया जाता है जिंदगी भर की चमक नहीं आती, बट हार्डली इनको ऐसे ही देता है नॉर्मल सी पॉलिश के अंदर, वो पॉलिश नहीं करता इसको, वो सैटन क्रोम आता है, सैटन टाइप सा, ठीक है। बाकी ये क्रोम का हो गया, इसके अंदर ये जो टैंक टाई होती है, इस बाइक के बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत सारे मोटरसाइकिल जो डिजाइनर्स हैं उन्होंने कॉपी किए हैं। तो ये टैंक टाई भी बहुत सारी अलग अलग मशीन्स के अंदर दिखती हैं, जैसे कि ये वाले जो विंग्स हैं ये भी आजकल बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांड्स है वो कंपनी से दे रहे हैं, जो कि अभी इंडिया के अंदर बाइक्स आने वाली हैं जो कि बाहर बाहर के ब्रांड्स हैं, चाइनीज मान लो, कोरियन मान लो। तो ये जो बाइक है कितने की है? ये वाली बाइक हमारे पास 2021 मॉडल है, 2500 किलोमीटर चली है, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड। 2500 किलोमीटर चली? 2500 सिर्फ, नेक्स्ट टू ब्रांड न्यू। आपको देख के लग रहा है ये प्री ओन्ड बाइक कहीं से भी? नहीं नहीं, ये तो ब्रांड न्यू। तो ये फुली लोडेड है, एग्जॉस्ट से लेके सारी चीजें लगी हुई है। ईयर क्या है इसका? ये 2021 की है। हाँ जी। और 2500 किलोमीटर चलाई, 17.5 लाख रुपए में भेज दी, मतलब यहाँ पे भेज दी की बेच दो। और 107 मिलवॉकी इंजन इसके अंदर आ रहा है,
जो कि इनका पहला था, जो कि ये हार्ली डेविडसन वाले क्यूबिक इंच के अंदर देते हैं, जिसका मतलब होता है CI, जैसे हम CC के अंदर इंजन नापते हैं, वो होता है CI क्यूबिक इंच। तो 107 क्यूबिक इंच का इसका ये वाला इंजन है, 17.5 लाख रुपए की है। 17.5 लाख रुपए अच्छी सी मोटरसाइकिल मिल जाएगी। वैसे ये है कितने की? नहीं, अभी 24 लाख रुपए की स्टॉक बाइक है, ऊपर से देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है। 24 लाख रुपए की और 2.5 लाख रुपए, तो 26.5 लाख रुपए होगा। तो 26.5 लाख रुपए की मशीन ये खड़ी है, जो कि पड़ सकती है 17.5 लाख। 17.5 लाख। तो भाई ये जो प्री ओन्ड मोटरसाइकिल होती है ना, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे मिलती है, इसलिए मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा ना इनकी तरफ रहता है। क्योंकि कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं भाई या तो आप ब्रांड न्यू बाइक ले लोगे, जो कि घर पे लेके आओगे बिना स्क्रैच की होगी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आप उन्हीं बाइकों को खरीदो, क्योंकि शौक तो थोड़ा थोड़ा सा ही है ना हमारे अंदर, तो उन्हीं बाइकों को खरीदो जिनकी वैल्यू कम है। तो भाई ये कौन सी बाइक है दाऊद भाई? ये है अपनी हार्ली डेविडसन की लो राइडर, जो कि फैट बॉय का सेम इंजन मिल जाता है, 1745 CC, 2022 की है, और ये बाइक उससे भी कम चली हुई, 1900 किलोमीटर चली हुई बाइक है, नेक्स्ट टू ब्रांड न्यू। यार क्या कलर स्कीम भी बहुत प्यारी है, कलर स्कीम बताओ आप कितनी अच्छी कलर स्कीम। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है अमेरिका का झंडा बना दिया उन्होंने, बस इसके ऊपर रेड वाले वो स्टार्स नहीं, ठीक है, व्हाइट आ गया, ब्लू आ गया, लेकिन ये वाले जो व्हाइट भी कलर है ना, ये भी पर्ल टाइप कलर है, इसके अंदर भी क्रिस्टल्स हैं, ब्लू जो है वो भी पर्ल की शेप पे आ रहा है। यहाँ पे हार्ली डेविडसन की ब्रांडिंग आ गई। बाकी यार बाइक ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा हैंडल इसका ऐसा वाला होता तो थोड़ी सी और, क्योंकि उसी जॉनर की बाइक है जिसके अंदर ये वाला हैंडल लग गया ना, ये हैंडल पकड़ के चलाओ मजा आएगा। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी की है, ये भी कीलेस है, सेम कीलेस है, सेम एज फैट बॉय, वेरी गुड, वाओ। चलो इसके अंदर स्टॉक है क्या एग्जॉस्ट? इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, सिर्फ लेग गार्ड लगा हुआ है एक्सेसरीज में। अब बात आती है यहाँ पे कि भैया सेम इंजन था फैट बॉय का, उस जिसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए थे, ये है स्टॉक एग्जॉस्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। सांस लिए इसने, बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है सर इसको। स्टॉक का साउंड भी काफी है, स्टॉक का भी अच्छा है, हम बिल्ड है। स्टॉक का साउंड ऐसा है कि आपको मतलब थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, थोड़ा सा और एनवायरनमेंट का साउंड भी आ सकता है, लेकिन आपने अगर शॉर्ट शॉर्ट लगा लिए जो हमने फैट बॉय के अंदर लिखा है, तो उसमें अपना ही साउंड अपने कान के अंदर पिन मारेगा बार बार। तो यार ये बाइक बहुत खूबसूरत है, इसका क्रोम वगैरह भी पूरा नेक्स्ट टू न्यू जैसे ये बोल रहे हैं। और ये चली भी कितना है? 1900 किलोमीटर चली है 2022 की। ये देखना इसका जो गियर शिफ्ट है कितना परफेक्ट शिफ्ट मार रहा है, कोई लूज नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी टाइप की कोई प्ले नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट ऐसी वाली शिफ्टिंग है। और यहाँ तक कि ये जो रबड़ है इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, 1900 किलोमीटर मीटर के अंदर क्या ही हो जाएगा। रिम्स एक बार ही दिखा दो, तो ये ब्लैक इसके अंदर ट्रीटमेंट वाले CNC वाले रिम्स आते हैं, जो कि साइड से थोड़े से इनको काट के उसमें सिल्वर कलर का एक्सटेंट बना लेते हैं। इस तरफ से अगर दिखाओगे तो ये तो खैर कंपनी से ही आता है। बाकी ये जो ब्रेक पेडल है ये भी स्मूथ है, ये चीज़ बढ़िया लगती है मुझे, ये एयर फिल्टर टाइप बना देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टर्बो और वो फिट करे हैं। खैर इन बाइक्स के साथ में कुछ भी हो सकता है, ये खाली कैनवस होती है, बिल्कुल है ना, इसके अंदर जितना पैसा लगाते रहो इस बाइक से भी 2 गुना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। हार्ले का बेस्ट पार्ट यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग पूरी कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के लिए खरीदनी पड़ेगी पहले ये बाइक ना, तो वो कितने की है? ये बाइक मिल जाएगी हमारे पास 12.5 लाख रुपए में, 1900 किलोमीटर चली। और ये है कितने की? न्यू नई 17 लाख रुपए की है। अच्छा, 1900 किलोमीटर चली हुई 12.5 लाख रुपए की और 19 लाख रुपए, 17 लाख रुपए की नहीं है, 17 लाख रुपए की नहीं है, 12.5 लाख रुपए मिल जाएगी, 1900 किलोमीटर चली हुई है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे ये जो बाइक्स हैं ये मिल जाती है, तो भाई आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट तो शोरूम पे मिलेगा नहीं। और 1900 किलोमीटर में 5 लाख रुपए सेव हो गए, 5 लाख रुपए सेव हो गए। और इसको क्लोजअप से भी दिखाया हमने, तो इसके अंदर कोई ऐसा स्क्रैच नहीं है, कहीं पे लेके भी जाओगे रिश्तेदारों के यहाँ पे तो वो भी कहेंगे। और सबसे अच्छी चीज बाइक का नंबर भी है, जो कि बॉस है 8055, जो कि लोग प्रेफर करते हैं, 50,000 रुपए का नंबर भी लगा हुआ अलग से। वेरी गुड, मेरे को तो इसकी हेडलाइट बड़ी क्यूट सी और प्यारी सी लग रही है। ये इसके अंदर अपग्रेड किया हुआ आती है? नहीं, ओरिजिनल स्टॉक हेडलाइट आती है, LED हेडलैम्प लगे हुए इसके अंदर, बैटरी का भी कोई इशू नहीं जैसे हो रहा है ना। अब मेन जो चीज है वो भाई इनके पास ऐसी भी मशीन है जो कि बहुत ज्यादा शौकीन लोग रखते हैं, ये 48। इसको ज्यादातर लोग बस ऐसे शॉर्ट ट्रिप के लिए चलाते हैं, या फिर इसके अंदर भाई इसको मतलब लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाना, तो क्या 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 करना है हमें लॉन्ग ट्रिप पे? अगर जैसे कि बहुत से लोग हैं कि स्टाइलिंग बाइक है, बहुत प्यार है लोगों को इससे, तो उसमें क्या करते हैं, उस केस में लोगों को लंबी चलानी है तो टैंक चेंज कर लेते हैं, आयरन का टैंक लग जाता है 11 लीटर का। मैं तो कह रहा हूँ जेरी कैन लगवा लो ना, 2 बड़े। और वैसे जब एक बात होती है कि जब बंदा
मोटरसाइकिल देखना शुरू करता है तो उसके जहन में ये भी आता है यार ये 48 जो बाइक है ना क्रूजर इंडस्ट्री की बहुत मानी जानी बाइक है, क्योंकि जो कस्टम बिल्डर्स होते हैं उनकी फेवरेट बाइक रहा करती थी इस बिकॉज ऑफ दिस पीनट टैंक। ये पीनट टैंक में आता है, इस पर इतनी कस्टमाइजेशन होती थी, पेंट स्कीम्स होती थी, ये होता था वो होता था, जो अमेरिका के अंदर जो शोज होते हैं वो उसमें ये जो बाइक थी ये कस्टमाइज करने के अंदर ना बहुत इजी थी और बहुत बढ़िया तरीके से पहले जैसे चैनल पे आता था ऑरेंज काउंटी तो उसमें बनाते थे पूरी कस्टमाइज करते थे चॉपर्स, तो चॉपर में भी वो पीनट शेप टैंक लगाते थे। तो ये बाइक भी फुली कस्टमाइज है, इसमें एग्जॉस्ट मिल जाएंगे, पीनट शेप टैंक तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट आता है, पिलियन सीट मिल जाएगी, फुट पैक मिल जाएगी, फ्रंट फोक स्लाइडर्स मिल जाएंगे, ग्रिप्स मिल जाएंगी, लेग गार्ड मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। अरे ये क्या लगा रखा है इन्होंने, बिल्कुल डिस्को थाई लगा रखा है एकदम काले जिंदगी ले। चलो ठीक है, इसकी की इधर है, ओके ये ऑन, एक बार और इग्निशन ऑन, अब अब धमाका होगा, इसका भी साउंड होता है 1200 सीसी का धमाका लगे हुए इसमें भी एग्जॉस्ट, बिल्कुल। अच्छा चलो सुनते, 3 2 1 स्टार्ट। पोटैटो साउंड वाला साउंड कुछ ये एक्चुअल साउंड है ये हार्लीस का। और दूसरी बात ये है कि ये बाइक के अंदर ना फील है कि इंजन स्टार्ट हुआ है, चाहे आप थोड़ी देर बाद ही थक जाओ क्योंकि पता है क्या हुआ अभी जब मैंने बाइक स्टार्ट करी ना तो धड़ हो गई भाई, पूरी बॉडी की मसाज हो जाती है। यही तो गलता है हार्ले डेविडसन का, जो इसकी वाइब्रेशंस हैं, जो इसकी बेस है, जो पोटैटो साउंड है, इट्स ऑल अबाउट हार्ले डेविडसन। वैसे वो एक जो पोटैटो एक्चुअल जिसके वजह से बाइक का जो जिसने ये नेम रखा था वो एक एक्चुअल एक बाइक है, याद नहीं आ रही कौन सी, उसका एक्चुअल में साउंड पोटैटो 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 ना ऐसा करके निकलता है, क्या साउंड लगता है वो। बट ये 48 भाई कितने की और कब कैसे, ये 2019 की है बाइक और ये अपना यूके रजिस्ट्रेशन है, यूके वाले भाइयों के लिए स्पेशली, सिंगल ओनर बाइक है, एक्सेसरीज तो भरमार है, 3 लाख रुपए का अप्रोक्स सामान लगा हुआ है, 9.5 लाख रुपए में मिल जाएगी बाइक, 9.5 लाख रुपए में, वाह यार। और ये क्या लिखा हुआ इसमें, 1200 इंजन है इसका, 12.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी, और 9.5 लाख रुपए में। और न्यू कितने की है, न्यू अभी 16 लाख रुपए की है, 16 लाख रुपए की, वेरी गुड, मजा आ गया। प्लस एक्सेसरीज, सो ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक्सेसरीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही है। जिनको लॉन्ग राइड करनी है ना उनके लिए भी एक यहाँ पे भाई पूरा पूरा सोफा सेट घर पूरा, जिसके अंदर बच्चों का बीवी का भी सामान लेके जा सकते हो, और अगर आप सिंगल हो तो फिर मजे ही मजे हैं, इसके अंदर भरो पीछे बियर की बोतलें, नीचे रखो आइस क्यूब और पूरी पार्टी करते हुए जाओ, उसमें टेंट वेंट सब कुछ आ सकता है, इतनी बड़ी जगह है। इसको बोलते हैं हार्ले डेविडसन हेरिटेज सॉफ्टटेल, सॉफ्टटेल बेसिकली उनको बोला जाता था जिनके पीछे सस्पेंशन दी जाती थी, जो हार्डटेल बाइक्स होती थी उनके पीछे वो फिक्स उसमें होती थी, फिक्स है ना, तो उसमें भाई कमर लोगों की टूट जाती थी, वो अमेरिका वगैरह जैसे जगह है जहाँ पे रोड्स प्लेन है वहाँ पे तो चल जाएंगी, लेकिन हमारी ऐसी कंट्रीज के अंदर नहीं चल पाएंगे, वो बंदे को उछाल के फेंक देंगे। तो सॉफ्टटेल वेरिएंट है ये, सॉफ्टटेल वेरिएंट के अंदर क्या होता है कि जो भी सस्पेंशन होगी वो आपको कहीं पे दिखेगी नहीं, मोनो सस्पेंशन अंदर है जी। तो वो मोनोशॉक सस्पेंशन है जो दिखेगी नहीं, और लुक्स जो है बाइक के वो वैसे ही है, बरकरार है। ये है हेरिटेज सॉफ्टटेल, कितने की आती है ये ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, ब्रांड न्यू 27 लाख रुपए की बाइक है और ऊपर से 6 लाख रुपए का सामान लगा है, तो अप्रोक्स कॉस्टिंग आप 33 लाख रुपीज हो जाती है, 33 लाख रुपए की बाइक है, 33 लाख रुपए में अच्छा खासा एक बढ़िया सा फ्लैट आ सकता है जिसका इंटीरियर भी वो लोग भी बना के देंगे, और उसको बोलते हैं फुली फर्निश्ड है ना, वैसे ऐसे तो बहुत सारी चीज आ सकती है देखा जाए तो। चलो ये जो है भाई ये कितनी चली हुई है और किस बंदे की और क्यों खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो ये ब्रांड न्यू सी लग रही है, ये हर जगह इसमें ये लगा रखा है, ये क्या सीन, ये बाइक फुली कस्टमाइज है, इसमें 6 लाख रुपए की एक्सेसरीज लगी हैं, आप बाइक देखेंगे आगे से पूरी एलईडी लाइट्स लगी हैं, जो ऑक्सिलरी लाइट्स हैं वो भी एलईडी हैं, हेडलाइट भी एलईडी है, ओके, व्हाइट वॉल टायर्स लगे हैं ब्रांड न्यू, वो 90,000 के कॉस्ट करता है अप्रोक्स, ये वाला टायर जी जी जी, व्हाइट वॉल टायर, हाँ जी हाँ जी, कितने का, 90,000 रुपए के टायर है, तो ये बनवाना पड़ता है या फिर आता बना हुआ, ये हार्ले से ही आता है स्पेशल, ये सॉफ्टटेल फैमिली के लिए हेरिटेज में ही लगता है, हेरिटेज में लगता है ना, बट इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, क्योंकि
हर जगह कूड़ा या फिर उसके अंदर जो कीचड़ वीचड़ हो जाती ना वो चीज, एलईडी लाइट इसके अंदर अपग्रेडेड है। ये जो है इसके, ये भी मेरे ख्याल से चेंज किए हुए ना। हाँ जी, अपग्रेडेड है, चेंज किए हुए ना। और इंजन गार्ड लगे हुए, हाईवे बार्स लगे हुए, फुट बोर्ड्स लगे हुए, पीछे भी आप देखेंगे। एक एक करके बताओ, हमारे व्यूज को समझ नहीं आता। देखो भाई, इंजन गार्ड ये लगा हुआ है यहाँ पे और हाईवे पैक्स लगे हुए, ये होते हैं हाईवे पैक्स। इसको खोल लोगे आप तो ऐसे टांगे चौड़ी करके आराम से लेट सकते हो, हर जगह हवा जाएगी और गर्मी भी नहीं लगेगी और मजेदारी वाली बातचीत हो जाएगी। फिर इसके बाद दोनों ही अगर आप देखेंगे फ्रंट एंड रियर फुटबोर्ड्स आ गए हार्ली डेविडसन के, ये भी बड़े बड़े फुटबोर्ड्स से कंफर्ट लेवल के लिए। और आपकी सीट जो लगी है टूरिंग सीट लगी है विद राइडर बैकरेस्ट। अरे इसमें तो यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी आ सकती है, यहाँ पे छोटी मोटी और आइटम आ सकती है। यहाँ पे ये बैकरेस्ट आ गया, इसको जैसे मर्जी यूज करो, पढ़ना है। पीछे वाला बंदा तो बहुत आराम से बैठ के जाता है, बहुत आराम से, पूरा टूर पैक लगा हुआ है पीछे। राइडर बैकरेस्ट के साथ साथ रियर बैकरेस्ट भी है, टूर पैक लगा है आराम से। पीछे वाला बंदा उसे पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, वो फिट हो जाएगा अपने आप में। ये टॉप बॉक्स भी ओपन होता है, ये जो साइड बॉक्सेस लगे हुए पेनियस ये भी ओपन होते हैं। एक म्यूजिक सिस्टम भी इन्होंने लगा रखा है, ये वाटरप्रूफ होते हैं म्यूजिक सिस्टम, इसलिए ये इसकी जो फेस है वो अपसाइड है, स्काई साइड, पानी वानी जाएगा कुछ नहीं होता इसके अंदर, बाकी कुछ हो भी सकता है, ठीक है ना। तो ये बताओ यार, ये जो बाइक है बहुत ही खूबसूरत है, हीटेड ग्रिप्स भी लगे हैं, सबसे अच्छा काम अगर ठंड में आप चला रहे हैं ना तो हीटेड ग्रिप्स लगे हैं हार्ली डेविडसन। एक बारी बार जरा भाई बैठ के देखते हैं, मेरी तो टांग ही नहीं खुलती, इतनी चौड़ी बाइक है। अच्छा, ये वाओ, क्या फीलिंग है, कैसे कैसा लगता होगा बंदा जब इस पे बैठ रहा होता है। फील इट फील्स लाइक अ किंग sitting on the couch. अच्छा थोड़ी सी पास आके इधर दिखा दोगे तो ना, यहाँ पे छोटी मोटी एक्सरसाइज और लगी हुई है, जैसे एक कप होल्डर लगा रखा है जिसकी भी बाइक होगी, इंफोटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक कंट्रोल्स लगे हुए यहाँ पे, पीछे के लिए भी है और आगे के लिए भी, चार स्पीकर्स है। अच्छा, आगे दो लगे हुए, आगे ये लगे हुए दो, हाँ जी, और पीछे भी दो लगे, पीछे दो लगे हुए, मतलब साउंड सराउंड ये लगी हुई है लाइट को एडजस्ट करने के लिए, लो करनी है आपको, हाई करनी है, जो आगे जो लाइट लाइट्स लगी हुई है, जी आर लाइट्स लगी हुई है। एक मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, ग्रिप्स चेंज है इसकी, ये वाले मेरे ख्याल से मिरर भी चेंज है ना इसके, मिरर भी चेंज है, मिरर भी चेंज किए हुए हैं। बाकी टैंक वैसा ही है, हार्ली डेविडसन कॉपी पेस्ट तो करता है अपनी हर एक बाइक के अंदर, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कॉपी पेस्ट होती है, लेकिन अलग अलग स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट होता है। एक कॉमन मैन के फ्लैट में बैठा हूँ मैं इस वक्त, जो कि फुल्ली फर्निश्ड है, लेकिन इसके अंदर इंजन भी है और ये चल भी सकता है, लेकिन इसका साउंड सबसे बड़ी बात है जो कि हमें इसके अंदर सुनना है। तो कीलेस एंट्री के साथ में ये बाइक आती है, और साउंड कैसा हो सकता है इसका वो देखते हैं। इसका तो स्टार्टअप ही डिफरेंट टाइप का है, ये कैसा स्टार्टअप था, जैसे टैंक स्टार्ट हो रहा हो। वाओ, इसमें डिफॉल्ट एग्जॉस्ट स्टॉक है, स्टॉक एग्जॉस्ट है। भाई एक बारी तो बंदे को ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखनी चाहिए। देखो इसका जो स्टार्टअप आपने अभी सुना वो कैसा स्टार्टअप था, अगर आपने कभी वीडियो देखे हो ना, जैसे टैंक स्टार्ट होता है, टैंक स्टार्ट करने का एक रेल चलता है, ऐसे करके टैंक स्टार्ट होता है, जो वॉर टैंक्स होते थे पुराने वाले, तो ये जो बाइक है ये भी ऐसी स्टार्ट हुई थी। ये दो पहियों का टैंक ही है, इतने बड़े बड़े इंजन है, टैंक बना रखा है और उसको स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है, और लेकिन जब ये स्टार्ट होकर चलेगी तो बना देगी, एक अलग ही फीलिंग है इन मोटरसाइकिल्स की। इसलिए मैं ये वाले वीडियो सबको दिखाता हूँ, जो मेरे अंदर की फीलिंग है वो आपको भी बता रहा हूँ, और ऐसे भाइयों से भी मिलवा रहा हूँ जो आप लोगों का शौक पूरा करने के लिए स्टोर्स बना बना के बैठे हैं। हमें इसके अंदर कोई पेड प्रमोशन नहीं मिलती, ये तो सिर्फ हमारा शौक है जो हम ऐसी शॉप्स के अंदर घूमते हैं। बाकी इनकी जो शॉप है उसका नाम है ऑल अबाउट बाइक्स, दिल्ली के अंदर पड़ती है, गूगल पे भी डाल के फोन कर सकते हो इनको, बाकी नंबर भी हम दे देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर की मोटरसाइकिल्स हैं इनके पास में, और जिनको मोटरसाइकिल का शौक है उन्होंने हमारा एक भी सीन मिस नहीं किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू मोस्ट वेलकम दाऊद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चिट चैट कर लो और थोड़े बहुत शेयर वेयर कर लो। बाय बाय।